हाँ, तो हमारे चैनल पे हमने बात कर लिया है अपकमिंग SUVs के बारे में, अपकमिंग 7-seaters के बारे में, लेकिन इसमें एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट छूट गया है, वो है हैचबैक, सेडान्स, कार्स जो मेन बिकते हैं इंडियन मार्केट्स में, उनके बारे में मैंने बात नहीं करी है। तो इस वीडियो में वो भी कमियां पूरी कर देते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो सारी हैचबैक्स सेडान्स का, मेनली अंडर 20 लाख रुपीस का ही हम इसमें रखेंगे, उससे ज़्यादा महंगी बात नहीं करने वाले हैं, जो कि इंडियन सड़कों पे अगली एक साल के अंदर अंदर ही लॉन्च होने की पूरी पूरी संभावना रखती है। यहाँ पे मैं अनिर्बान बैनर्जी टर्बो ड्राइव के इस नए वीडियो में आपको फिर से स्वागत करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ जाने से पहले एक लाइक का बटन ज़रूर से ज़रूर दबा देना, नीचे जाके सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि उसी से ही आपको फर्दर इन्फॉर्मेशंस मिलते हैं। ये बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं नई नवेली लॉन्च जो कि एक आध महीने में होने वाली है, वो है टाटा की नई प्रीमियम कार, वो है टाटा की अल्ट्रोज। एक कुछ एक दिन में उसकी अनवीलिंग हो जाएगी, प्रोडक्शन उसका ऑलमोस्ट स्टार्ट हो ही गया है, तो जनवरी में ही उसकी फिलहाल तो लॉन्चिंग होगी। काफ़ी टाइम लिया है टाटा ने इसको लॉन्च करते हुए। फिर नेक्स्ट प्रीमियम हैचबैक की ओर आ जाते हैं, ये है हुंडई की एलीट i20 का नेक्स्ट जनरेशन। काफ़ी लॉन्ग टाइम से इसको टेस्टिंग में देखा गया है, और यहाँ पे जो भी अभी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रहा है, ये जो एलीट i20 है ये भी अप्रैल 2020 के आसपास ही लॉन्च होने की पूरी पूरी संभावना रखती है, क्योंकि अभी की प्रेजेंट जनरेशन एलीट i20 को हमने BS6 टेस्टिंग होते हुए अभी तक तो देखा नहीं है, तो ये भी अप्रैल 2020 के आसपास ही लॉन्च हो ही जाएगी। फिर नेक्स्ट कार की ओर बढ़ते हैं, वो है टाटा की टियागो। टियागो भी काफ़ी हद से बहुत टाइम से इन्होंने टेस्टिंग किया है, बहुत ही ज़्यादा रफ टेरेन्स पे इन्होंने टेस्टिंग किया है। टियागो भी अपनी नई इंजन के साथ BS6 अपग्रेड हो जाएगी, और उसी के साथ साथ भी ये अपनी नई फेस के साथ आएगी, नई लुक्स के साथ आएंगी, जो कि थोड़ी सी मोर अपीलिंग और थोड़ी सी टाटा की जो इम्पैक्ट टू डिज़ाइन लैंग्वेज है इसके साथ और ज़्यादा बैठेगी। टियागो की भी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट अप्रैल 2020 के आसपास ही है, क्योंकि वो भी अपनी BS6 अवतार के साथ उतरेगी जब नई BS6 नॉर्म्स आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट कार की ओर बढ़ते हैं, वो है टाटा की टियागो की ही इलेक्ट्रिक वर्जन। देखिए, टाटा ने ऑलमोस्ट प्रॉमिस कर दिया था कि वो अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उतार देंगी मार्केट में बाई 2021। यहाँ पर जब टियागो अपनी फेसलिफ्ट अवतार की ओर मूव करेगी, यहाँ पर 2021 तक आपको अर्ली 2021 तक आपको टियागो और अल्ट्रोज की भी EVs देखते हुए मिलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली अल्ट्रोज की इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो पहले दिखते हुए मिलेगी, टियागो की भी धीरे धीरे आ ही जाएगी। तो अल्ट्रोज की मेनली इलेक्ट्रिक वही वर्जन जो है वो आपको दिखते हुए रोड पे मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट कार की ओर बढ़ते हैं, वो है यहाँ पे मारुति सुजुकी की वैगनार बेस्ड एक नई नेक्सा मॉडल, जो कि वैगनार की XL5 या मारुति सुजुकी XL5 आप इसको कह सकते हैं, कुछ लोग इसको स्टिंगरे भी कहते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी कॉल्ड XL5। और या इसके बारे में भी अभी तक जितने भी कार्स बात हुए हैं, ऑलमोस्ट सारे कार्स के बारे में इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, ऑलरेडी वीडियो डेडिकेटेड बनी हुई है, तो वो जाके आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन पे देख सकते हैं, उस वीडियो की सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी। यहाँ पे वैगनार की भी XL5 जो है वो आपको मिल जाएगी, एक नई प्रीमियम आउटिंग होगी यहाँ पे, और इसका भी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है mid 2020 के पहले ही, first half of 2020 यहाँ पे आपको लॉन्च होते हुए दिख जाएगी। नेक्स्ट कार की ओर बढ़ते हैं, वो है यहाँ पे निसान की लीफ। निसान ने काफ़ी हद तक अपनी नई जो लीफ कार है, इलेक्ट्रिक कार है जो फॉरेन में काफ़ी अच्छी बिकती है, वो इंडिया में आके टेस्टिंग करते हुए दिखी है। तो अगर निसान अपनी नेक्स्ट इलेक्ट्रिक रन की ओर इंडिया में ले जाते हैं, तो ये निसान की लीफ की ओर होते हुए ही जाएगी, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इंडिया में अगले एक आध साल के अंदर ही लॉन्च होने की पूरी पूरी उम्मीद रखती है। और एक आध कार्स हैं जो कि अभी उनके बारे में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, क्योंकि अभी तक कोई स्पाई इमेजेस नहीं देखा गया है, लेकिन कुछ एस्टिमेशन के हिसाब से, कुछ सोर्सेज के हिसाब से ऐसा एस्टिमेट लगा सकते हैं कि ये कार्स भी अपनी नेक्स्ट फेसलिफ्ट की ओर मूव करेगी, वो है यहाँ पे मारुति सुजुकी की जो इग्नेस है उसकी फेसलिफ्ट आएगी, और यहाँ पे मारुति सुजुकी की जो सिलेडियो है ये भी अपनी नेक्स्ट जनरेशन की ओर मूव करेगी, जो कि हार्टेक प्लेटफॉर्म पे बेस्ड होगी। यहाँ पे मारुति सुजुकी की बात करें तो आपको पता ही होगा वैगनार की इलेक्ट्रिक कार जो है वो भी कुछ एक साल में, एक साल के अंदर लॉन्च होने वाली है। इसी
इसी साल लॉन्च होने वाली थी, लेकिन उन्होंने डिले कर दिया है इस लॉन्च को, क्योंकि अभी मार्केट स्लो डाउन हो गई है। स्लो डाउन की वजह से बहुत सारे लॉन्च डिले हुई है, टाटा के अल्ट्रोज की लॉन्च डिले हो गई, तो बहुत सारे लॉन्चेस इसी वजह से डिले हो गई है। यहाँ पे वैगनार भी अगले एक साल के अंदर आपको दिखते हुए मिल जाएगी, वैगनार की इलेक्ट्रिक वर्जन। भले ही मार्केट में एसयूवी का दबदबा काफी ज्यादा बढ़ गया हो, लेकिन सेडान जो है अभी भी कुछ लोगों के लिए काफी वैल्यूएबल ऑप्शन रखता है। यहाँ पे हुंडई अपनी नई ऑरा की कॉम्पैक्ट सेडान जो है हुंडई ऑरा, वो उतारने वाली है अगले 6 महीनों के अंदर ही, इंडियन सड़कों पे आपको दिखते हुए मिल जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल 2020 BS6 नॉर्म्स जब आ जाए उसी के बाद ही आपको ये दिखते हुए मिलेगी, क्योंकि तब तक हुंडई के पास काफ़ी सारे नए मॉडल्स अपडेट करने को होंगे, तो इसीलिए उसके बाद ही उसी के आसपास ही आपको ये दिखते हुए मिल जाएगी। ऑटो एक्सपो में इसकी शोकेसिंग आपको पूरी की पूरी डिज़ाइन लैंग्वेज दिखते हुए आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट कार की ओर बढ़ते हैं, वो है होंडा की ओर से, होंडा की सिटी। सिटी अपनी नेक्स्ट जनरेशन में मूव कर रही है, जिसमें आपको कई सारे नए फीचर्स मिलेंगे, बहुत सारी नई चीज़ें मिलेंगी, सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स, बड़ी डायमेंशंस, बहुत कुछ मिलेगा। ये भी इसकी अगर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, इन सेडान्स के बारे में भी दो जो मैंने बोले हैं उनकी भी वीडियो बनी है। नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हर एक कार की ऑलमोस्ट यहाँ पर जितनी भी बातें हो रही है सबके बारे में एक ना एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना के ही रखा है। फिर नेक्स्ट कार की ओर बढ़ते हैं, स्कोडा की ऑक्टाविया जो है उसकी भी आरएस एडिशन की जो लॉन्चिंग है वो भी काफ़ी हद तक नियर है। अब इसमें क्या कब होगा इसका अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मिड 2020 तक जो भी स्कोडा ऑक्टाविया आरएस है उसमें मिलने की आपको पूरी पूरी उम्मीद रखनी चाहिए। फिर लास्ट में ख़त्म करने वाले हैं हम टाटा के साथ, टाटा की टिगोर जो है वो भी अपनी BS6 अवतार में मूव कर रही है, और BS6 अवतार में मूव करते से ही ये अपनी जो इम्पैक्ट टू डिज़ाइन लैंग्वेज है इसको टेक ऑन करने वाली है, जैसे टाटा की टियागो कर रही है। टाटा टिगोर भी इसमें नई BS6 लैंग्वेज को एक्वायर करने वाली है, तो थोड़ी बहुत चेंजेस आपको इसमें दिखने वाली है। इन सब के बारे में जितने भी कार्स मैंने बात करी है, 90% कार्स के बारे में इन्फॉर्मेशन डेडिकेटेड वीडियो दिया गया है, नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए। नहीं हुआ कोई भी सवाल हो नीचे जाइए कमेंट बॉक्स पे, आपको उन सारे सवाल पूछने की पूरी पूरी ऑप्शंस दिए गए हैं, सवाल पूछिए मैं आपको जवाब दे दूँगा। बस इतना ही रखते हैं आज इस वीडियो में, कार्स और सेडान्स, ये जो हैचबैक सेडान्स है इनके बारे में भी कंप्लीट हो गया है, एसयूवी के बारे में भी कंप्लीट हो गया है, 7 सीटर एमपीवी एसयूवी इन सब के बारे में भी कंप्लीट हो गया। तो अगले एक साल के लिए आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी सारी हमारे चैनल के थ्रू आप तक पहुँचा दिया गया है। उम्मीद करता हूँ आप अपने डिसीजन ठीक से ले पाएंगे जब आप कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। तब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो।